हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जोशी नेटिंग चैनल में। आज मैं आप लोगों के सामने जेंट स्वेटर, हाफ स्वेटर का मेज़रमेंट लेके आई हूँ, क्योंकि मुझे कमेंट किया गया था कि हमें स्वेटर का मेज़रमेंट बताइए कि हम जेंट स्वेटर कैसे बनाएं। तो आप देखिए, ये मैंने नीटिंग मशीन में ही बनाई हुई है, सिंपल नीटिंग मशीन में। और आप देखिए, ये डिज़ाइन भी मैंने उसी में डाला हुआ है। अगर आपको ये डिज़ाइन सीखना होगा तो आप कमेंट करके बताइए, मैं आपको ये बनाना बताऊंगी। तो चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर इससे पहले आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाएं और वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। चलिए, ये देखिए, ये मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। इसमें मैंने टोटल 105 फंदे डाले हुए हैं, आप देख सकते हैं। और 105 फंदे डालने के बाद मैंने इसको 2.5 इंच बना लिया है। 2.5 इंच का मैंने अपना बॉर्डर बना लिया। और उसके बाद देखिए, मैंने अपना बगल से ऊपर, बॉर्डर से ऊपर मैंने अपना देखिए 17.5 इंच करीब मैंने इसको बुन लिया है। और फिर मैंने अपना बगल घटाया 3-2-1 करके। और वैसे ही हम बगल के ऊपर भी हम देखिए 7.5 और 8 इंच करीब हम अपना ये शोल्डर बना लेंगे, ये देखिए। और बगल में हमने 60 फंदे आगे के पल्ले से उठाने हैं और 60 फंदे हम पीछे के पल्ले से उठाएंगे। सेम हमने दूसरी साइड भी 60 फंदे ले लेने हैं। और इसके गले में मैंने ये देखिए ऊपर लास्ट मैंने शोल्डर पे अपने 30 फंदे रखे हुए हैं। आप हेल्थ के अकॉर्डिंग रख सकते हैं कम ज़्यादा। अगर किसी की हेल्थ कमज़ोर है तो आप उसके लिए 26 फंदे भी रख सकते हो, 26 और 28, ठीक है। तो अब इसका गला है, तो गले के लिए मैंने 60 इधर उधर उठाए हुए हैं और 60 फंदे मैंने इधर से लिए हैं। और बाकी जो हमारे पीछे के पल्ले पर फंदे बच जाते हैं वो फंदे मैंने उठा लिए हैं। तो देखिए, ये हो गया हमारा जेंट्स हाफ स्वेटर का मेज़रमेंट। और सेम यही हमने पीछे के पल्ले में भी किया हुआ है। पीछे के पल्ले में वही 105 फंदे आपको बॉर्डर में रखने हैं और ऊपर हमने टोटल 120 फंदे बढ़ा लेने हैं। और ये मैंने पीछे डिज़ाइन नहीं डाला हुआ है, केवल लाइनिंग की है। फिर अपना 17.5-18 इंच करीब बुन के हम फिर अपने 3-2-1 बगल की कटाई कर लेंगे। और फिर हम अपना लास्ट गला बना लेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।